नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन है आपका। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल सी इज टू टाइम्स एंगल बी प्लस। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, इसमें आपको एंगल बी फाइंड करना, क्या फाइंड करना है एंगल बी, पहले तो ये चीज क्लियर होगी। देखो आपको फर्स्टली जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है तक? ठीक है, अब आप मुझे बताओ अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? मुझे क्या फाइंड करना है, बी। मुझे क्या फाइंड करना है, बी। तो क्या देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? अब एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट, ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। इसको आप किस तरह से आप रीड करो, ट्वाइस ऑफ एंगल बी तो कितने एंगल बी प्लस एंगल डी हो गए, मैं बोलूं थ्राइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो? क्या समझ में आ रही है? तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये कितना हो जाएगा, 360 बाय 3 यानी से 120 डिग्री। अब देखो आपको एंगल डी गिवन है तो एंगल बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 120 माइनस 60 दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है।